तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपका? उम्मीद है अच्छा ही होगा। तो यार आज मैं बात करने वाला हूँ यूएफसी और बॉक्सिंग से जुड़ी कुछ अपडेट्स के बारे में। बॉक्सिंग से आपको पता ही होगा भाई, माइक टाइसन जो है उनकी फाइट होने वाली है जेक पॉल से, और माइक टाइसन ने कहा है कि भाई वो जो कहते हैं हमारे हिंदी में भांग के नशे में हाई होंगे जब वो जेक पॉल से फाइट कर रहे होंगे। और ये कमेंट उन्होंने जिमी के शो में दिए हैं, जो कि एक तरह से काइंड ऑफ कह लो कि वो एक मैसेज दे रहे हैं कि भाई वो तो रिलैक्स हैं इस फाइट को लेकर, उनको इस फाइट की कोई टेंशन नहीं है, उनको पता है कि वो जीतने वाले हैं। लेकिन चांसेस आर 50-50 भाई, ठीक है ना, क्योंकि उनकी एज फैक्टर भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और उसके बाद भाई अगली न्यूज़ जो कि माइक टाइसन से ही रिलेटेड होगी, माइक टाइसन ने अप्रिशिएट किया है डेना वाइट को, और एक न्यूज़ में बताया है कि अगर डेना वाइट बॉक्सिंग के CEO बनेंगे तो ये बॉक्सिंग वर्ल्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होगी। ठीक है, अच्छी बात तो होगी, लेकिन उनका पे स्केल क्या उतना ही रहेगा ये तो डेना वाइट को ही पता होगा भाई। तो अगली न्यूज़ की हम बात करते हैं, तो भाई जो हमारे बैटमैन वेट के नए नए लाडले मीरव चैंपियन बने हैं, तो वो बता रहे थे कि भाई जब वो UFC में थे तब भी वो काम करते थे और अपना जो खर्चा थे आप खुद चलाते थे। तो इससे आपको पता लगता है कि भाई उनकी स्ट्रगल की स्टोरी, उनका स्ट्रगल कितना ज़्यादा हार्ड रहा है। लेकिन अब उनके सारी लाइफ के आगे एक कंटेंडर आ गया है, उमर नर्मदमेदोव, मैंने पता नहीं सही प्रनाउंस किया या नहीं, लेकिन उमर कहना ही ठीक होगा, खबीब का कज़न। तो भाई अगली बात हम उमर की ही करेंगे। तो उमर ने कहा है कि भाई अगर उनको टाइटल शॉट नहीं मिलता, जिसकी पॉसिबिलिटी लग रही है कि उनको अभी तो नहीं मिलेगा है, उनको एक आधी फाइट और खेलनी पड़ेगी, तो वो खुद कह रहे हैं कि वो तैयार हैं हाई लेवल कंटेंडर से फाइट करने के लिए, और वो फाइट करेंगे और अपना एक दिन टाइटल शॉट को मतलब पा लेंगे इसी साल। मेरे ख्याल से इस साल नहीं, मतलब 2025 में वो चैंपियन बन जाएंगे, जैसा कि मुझे लग रहा है कि भाई उनका कॉन्फिडेंस, उनका ग्रैपलिंग स्टाइल जो है, उनका जो लाइफ स्टाइल है, वो सारा कुछ खबीब के साथ मिलता है, उनके साथ ट्रेन करते हैं, और इनकी जो फाइटर्स की, जो दागिस्तान के फाइटर्स हैं, उनकी मेंटालिटी, जो मेंटल पावर है, वो एवरेज ह्यूमन से, नॉर्मल ह्यूमन से बहुत ज़्यादा ऊपर होती है भाई। क्योंकि ये पार्टी वगैरह नहीं करते, ये सिर्फ वर्कआउट, डिसिप्लिन और डाइट, इन सब चीज़ों पर बस इनका लाइफस्टाइल चलती है, और सबको अच्छे लगते हैं भाई ये डिसिप्लिन वाले बंदे। तो अगली न्यूज़ की बात करें, जो हमारे बेचारे अभी सपने में चैंपियन बने हुए हैं, अभी भी उनको लगता है कि वो चैंपियन हैं इतनी ज़्यादा मार पिटाई के खाने के बाद, जी हाँ सीनो मैली, मुझे नहीं यकीन होता कि भाई बंदा इतना बेशर्म कैसे हो सकता है कि इतनी ज़्यादा उसको 5 राउंड में मार पड़ी हो, फिर भी वो अपने आप को चैंपियन कह रहा हो और बेल्ट के साथ शो कर रहा हो। तो ये तो एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी होती है, लेकिन वो खुद के हटाना नहीं चाहते भाई वो जीरो वाला टैग, लेकिन हमें पता है कि भाई ही इज़ मतलब ही इज़ गुड बट नॉट दैट मच। सीनो मैली जो है, उन्होंने डेविन जो बॉक्सर है उनके साथ बैट लगाई है कि भाई वो $1 million उन्हें दे देंगे अगर उन्होंने सीनो मैली को हरा दिया MMA फाइट में। सो इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि भाई बॉक्सर्स आर गुड, ठीक है, बट MMA इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग, मतलब ग्रैपलिंग, स्ट्राइकिंग, जो डिफेंस, जो टेक डाउन डिफेंस होता है, एवरीथिंग मिक्स मार्शल आर्ट्स में वो सब आ जाता है। तो इसकी भी एक वीडियो बनाएंगे कि विच स्पोर्ट इज बेटर, MMA या बॉक्सिंग, तो उसकी बात किसी और वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही, तो उम्मीद करता हूँ कि भाई आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, आपको पता ही है भाई आपने क्या करना है। थैंक यू।